और तिरुपति बालाजी के प्रसाद में अपना मछली का तेल खिलाया, कल तुम्हारे घर में तुमको खिलाया जाएगा। क्या तुम्हारे पूर्वजों ने इस देश में जीवन नहीं दिया? क्या प्रायोजित तरीके से तुम हिंदुओं की बेटियों को इन अहमदों के चक्कर में पड़वाना चाहते हो? तो अहमद की जगह अमर भी क्या हो सकता था? एक अकेला बागेश्वर बाबा देख के क्या करेगा? तो एक अकेले बागेश्वर महाराज की या दो चार हिंदुओं की बोलने की जिम्मेदारी नहीं है, इस भारत के 7 करोड़ हिंदुओं की जिम्मेदारी है। एक मित्र के माध्यम से एक सूचना भेजी जो मीडिया पर भी चली, कक्षा 3 की पुस्तक में एक पाठ्यक्रम जोड़ा गया मेरी चिट्ठी के नाम से। चिट्ठी आई है के नाम से कोई पाठ्यक्रम जोड़ा गया, उसमें 3 कक्षा की कोई बच्ची चिट्ठी लिखती है, जो छापा गया वो लव जिहाद को बराबर देने वाला पाठ्यक्रम छापा गया। उसमें छापा गया है, ये हम आपको सबको बता भी दें, चिट्ठी आई है 17 नंबर पेज पर एक पाठ्यक्रम जोड़ा जिसमें एक चिट्ठी का फोटो लगाया, अहमद तुम बताओ तुम कैसे हो, हम सब दोस्तों को तुम्हारी बहुत याद आती है, आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे, सभी बड़ों को प्रणाम तुम्हारी रीना। इस प्रकार की चिट्ठी अहमद के नाम से रीना के द्वारा एक चिट्ठी का पाठ्यक्रम जोड़ा है जिसमें उनका पता भी लिखा, अहमद अली मकान नंबर 5 ब्लॉक जी मालवीय नगर नई दिल्ली। यह देश का दुर्भाग्य है, चिट्ठी का पाठ्यक्रम बच्चों को सिखाने के लिए अगर जोड़ना ही था तो अहमद की जगह अमर भी तो हो सकता था, आकाश भी तो हो सकता था, अविनाश भी तो हो सकता था और आदर्श भी तो हो सकता था, अहमद ही क्यों रखा गया? क्या प्रायोजित तरीके से तुम हिंदुओं की बेटियों को इन अहमदों के चक्कर में पड़वाना चाहते हो? और यदि नहीं तो जो भारत के सोए हुए हिंदू है, एक अकेला बागेश्वर बाबा बोल के क्या करेगा? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुम्हारी बहन बेटियां नहीं है? क्या तुम्हारा भारत नहीं है? क्या तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है? क्या तुम्हारा सनातन नहीं है? क्या तुम्हारे पूर्वजों ने इस देश में जीवन नहीं दिया? तो एक अकेले बागेश्वर महाराज जी या दो चार हिंदुओं की बोलने की जिम्मेदारी नहीं है, इस भारत के 7 करोड़ हिंदुओं की जिम्मेदारी है। वरना आज तिरुपति बालाजी के प्रसाद में तुम्हें मछली का तेल खिलाया, कल तुम्हारे घर में तुमको खिलाया जाएगा और तुम पागला का नहीं कर लोगे। और धीरे धीरे पूरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, सनातन से सब जो है विचलित हो जाएंगे और हम लोग केवल हिंदू हिंदू करके पैक बजाकर रील चलाकर वीडियो बनाकर फॉलोवर जोड़कर नाम कमाकर नेता बनकर के जो है मंच सजाएंगे। अब तुमको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा क्योंकि करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है। इसीलिए हमने अक्टूबर की सभी कार्यक्रमों को स्थगित करके यहीं पर रह करके भारत में क्रांति खड़ी करने की योजना बनाएंगे। अक्टूबर में दरबार तो लगेगा पर कम समय के लिए लगेगा, हम यहीं रहकर योजना बनाएंगे और भारत के हिंदुओं को जगाने के लिए आने वाले 20 साल में हम लोगों को क्या करना है इसकी हम योजना तैयार कर रहे हैं, ताकि मंगल हिंदुओं के आदमी हो, हिंदू धर्मावलंबी अगर मंदिर की सेवा करेगा, मंदिर का कार्यभार देखेगा
तो वो पूजा पाठ में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को नियमित रूप से पवित्रता की जांच करवाएगा। धर्म विरोधी कोई जो है नास्तिक अगर देखभाल करेगा तो वो धर्म भ्रष्ट करने की तैयारी करेगा। इसलिए सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए। वक्त बोध हो सकता है, मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार जैसे हमारे ही प्रिय जिस समुदाय को हम हृदय से मानते हैं जैन बोर्ड, जो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी ने कहा है, उसी आधार पर अब भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को तत्क्षण सनातन हिंदू बोर्ड बना देना चाहिए। इससे मंदिर सुरक्षित रहेंगे, तीर्थ स्थल सुरक्षित रहेंगे, मंदिरों पर मस्जिद और चर्च नहीं बन पाएगी, फिर खुदाई की जरूरत नहीं पड़ेगी।